टाटा ने खुद इस लड़के को कॉल क्यों किया? महज 8 साल में इस लड़के के सिक्स पैक्स कैसे? क्या हुआ जब फ्लाइट उड़ी और 35 साल बाद लैंड हुई? तो ऐसे ही होश उड़ा देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ओहो कैप्स। क्या आप जानते हैं हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं खाएंगे? एक्चुअली प्लास्टिक के बॉटल्स का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है, इसी के लिए डॉक्टर्स ने हमारे वाटर के छोटे छोटे से कैप्सूल बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखो और ये मुंह में बस्ट होंगे और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। इन्हें ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। बस इसके ऊपर की लेयर उतारो और हो गया तैयार। शांतनु नायडू। एक दिन मुंबई की सड़क पर एक कुत्ते का किसी कार से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर मौजूद शांतनु नायडू नामक एक लड़के ने अपना दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना इस स्ट्रीट डॉग्स के गले में एक चमकदार कॉलर डाल दिया जाए जिससे ड्राइवर को दूर से ही दिख जाए और इनकी जान को बचाया जा सके। उसने मुंबई के गली मोहल्ले में जाकर सभी स्ट्रीट डॉग्स के गले में ये कॉलर डाला। उसके बाद रतन टाटा ने खुद शांतनु को फोन करके उनके साथ काम करने को कहा। है ना बहुत बड़ी बात? दोस्तों शांतनु नायडू और उसकी पहल के लिए एक लाइक तो बनता है। पूजा बिश्नोई। महज 8 साल की उम्र में सिक्स पैक, वो भी एक लड़की के। ओह माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 की कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पूजा बिश्नोई की, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और पॉकेट रॉकेट कहकर बुलाते हैं उसे। सो गाइस, इस छोटे से पॉकेट रॉकेट के लिए एक हार्ट तो बनता है। साल 1954। 92 यात्रियों के एक साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भरती है। 18 घंटे का यह सफर था, लेकिन महीनों निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं हुई। लोगों ने ये मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निकल चुका है, फाइलें बंद हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप लोगों को सुनना चाहिए। ठीक 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 वही फ्लाइट ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड करती है। अचानक इस तरह से आ रही फ्लाइट को लैंड तो करा लिया गया, लेकिन लैंड करे फ्लाइट से जब कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट के गेट खोले। इस गेट को खोलते ही उनके होश उड़ गए। उस फ्लाइट में इंसान नहीं कंकाल सफर कर रहे थे। इस फ्लाइट में एक दो नहीं पूरे 92 कंकाल थे जो इस फ्लाइट के यात्री थे, लेकिन इतने सालों में कंकाल में तब्दील हो गए। इन यात्रियों की सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी। अब सवाल यह है कि पायलट के कंकाल ही बंधे हुए थे तो फ्लाइट लैंड कैसे हुआ? विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, पर कुछ सवाल ऐसे भी है जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं। क्या आप जानते हैं जब रबर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो पेंसिल से लिखे हुए चीज को रब करने के लिए बियर्ड का इस्तेमाल किया जाता था? आपने कई बार फ्रूट्स पर स्टिकर देखे होंगे जिसका कुछ मतलब होता है। अगर नहीं जानते तो चलिए आपको बताते हैं। अगर स्टिकर 9 अंक से शुरू होता है और कोड 5 संख्या में है तो वो फल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है, मतलब ये फल आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर 8 अंक से शुरू होता है और वो 5 की संख्या में है तो ये फल नॉन ऑर्गेनिक फल है, और अगर 4 संख्या देखी है मतलब वो फल सेहत के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि ये फल नॉन ऑर्गेनिक होते हैं। इन्हें कीटनाशक दवाइयों की मदद से उगाया जाता है। अब बात करते हैं कि चूहे को मिला बहादुरी का गोल्ड मेडल। आमतौर पर बहादुरी के लिए पुरस्कार सैनिकों को मिलते हैं या आम इंसान या बच्चों को, लेकिन किसी चूहे को बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल दिया जाए ये वाकया शायद आपने सुना हो। मगावा नाम के इस अफ्रीकी चूहे ने कुल 39 लैंड माइंस और 28 अविस्फोटक विस्फोटक पदार्थों को खोजा, जिसकी वजह से यूके की एक वेटनरी चैरिटी संस्था PDLSA ने गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया। प्रेस एसोसिएशन के मुताबिक मगावा को एपोपो नाम की चैरिटी ने प्रशिक्षित किया था और ये टॉप के हीरो चूहों में नाम था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना।